Welcome to Time News Studios. You are watching 3 p.m. Bulletin. कराची पहुतल वजीर आजम इमरान खान की सदारत हेठ कराची कमेटी के इजलास दौरान शहर में निकाल के निज़ाम पीण के पानी कचरे के मसलन सूदों मुख्तलिफ़ मनसूबन सलाह मशवरा इजलास में बड़े वजीर मुराद अली शाह गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल शरीक सूबाई वजीर नासिर शाह सईद गनी वफाकी वजीर असद उमर अली जैदी अमीन उल हक भी मौजूद। जरियन जो चवण है तो वड़े वजीर तरफा मनसूबन की फहरिस्त में कराची से गड सिंध के बिन जिलों के भी शामिल कर तजवीज़। वजीर आजम इमरान खान कराची में बरसात के रांगन जो जायजो वठण लाए फजाई दौरों कयो। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ए बिन तरफा वजीर आजम के कराची में बरसात सबब थियल नुकसान बाबत ब्रीफिंग दिनी। दौरे दौरान वजीर आजम तरफा कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान जो ऐलान करण जा इम्कान। हाने संजीदगी से गौर करो पवो तो के इलेक्ट्रिक मौजूदा मालकन वट रहे या उनके हुकूमती तहवील में वरतो वे। सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स मुताबिक के इलेक्ट्रिक के लाइसेंस में तब्दीली भी कर सकते थी। कराची के दौरे से पौतल वफाकी वजीर असद उमर जू के इलेक्ट्रिक की ऑफिस में इख्तियार मुलाकात बाद गाल असद उमर जो चवण है तो इन वक्त कराची के सियासत न पर अमली कम की जरूरत है। शहबाज शरीफ इलेक्शन का पोए पेरियों भेरों कराची पहुतो अवाम बदरा आसिफ जरदारी से मुलाकात करे वापस हलो वो। तनकीद करण सोली है पर असा की कराची शहर के बेहतर बनाणो है। वफाकी हुकूमत जो इन वक्त सब ध्यान कराची शहर से है। कराची में इंफ्रास्ट्रक्चर बिजली पीण के पानी नेकाल के निज़ाम जहा वा मसला है। नवाज शरीफ की और आसिफ जरदारी की सियासत की कोई गुंजाइश नहीं। उनकी सियासत जो है उनके घर में कैद हो गई है। जितना मर्जी ये छुपा लें जो पथराव वाली पार्टी है वो बातचीत और मुज़ाकरात वाली पार्टी के साथ नहीं चलने के लिए तैयार। और मरियम साहबा जब गई हैं अदालत में तो नून लीग सारी गई है, शीन लीग उनके साथ नहीं गई। शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ के लिए हमेशा सहूलतें पैदा की। सऊदी अरब से लाने में भी उनका तारीफी किरदार है। ये एपीसी टेंट है, फिश है, फजलुर रहमान के पीछे लग कर इन्होंने अपनी सियासी आकबत नहीं खराब करनी, क्योंकि कोई पता नहीं है इस इन्होंने मुज़ाकरात के दरवाजे बंद नहीं करने। फजल रहमान ने मुज़ाकरात का दरवाजा खुल नहीं देना। नवाज लीग की सियासत कुतुब में कैद थी वही है। नवाज शरीफ 10 सितंबर से वापस न आयो तो नवाज लीग धड़न जो शिकार थी वेंदी शीन लीग जो जन्म थींदो। वफाकी वजीर शेख रशीद ऑपोजिशन से तनकीद कंदे चयो है त फजल रहमान की सियासत गुफ्तगुन शनीदन बर्खास्तन तई महदूद है। नवाज लीग ए पीपल्स पार्टी सनस चवण से असेंबलीज में इस्तीफाओं न दींद। ऑपोजिशन की एपीसी जो भी को असर नो सब मानी खाई हलिया वा। पीपल्स पार्टी ए नवाज लीग कदें भी न चाहन्द तो गाल दर बंद थे। नंढ्यू जमायतूँ मौलाना फजल रहमान गाल दर बंद कर घुरन था। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस दौरान शेख रशीद तो चवण तो वजीर आजम डिठो हों तो आसम सलीम बाजवा मथा लगायल इल्ज़ाम बेबुनियाद आन तद सनस इस्तीफा मंजूर न कई पी। वफाकी खातन की नौकरियों में सूबन जो हिस्सो घटाया वो। 50 सैकड़ों नौकरियों रुगो इस्लामाबाद वासन लाए मखसूस करने जो नोटिफिकेशन जारी। वजीर आजम इमरान खान तरफा सिविल सर्वेंट्स रूल्स में बिन तरमीमों की मंजूरी बाद इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन नोटिफिकेशन जारी कर छो। सिविल सर्वेंट्स रूल्स में तरमीम से नौकरियों की हैसियत ही तब्दील थी वही। नोटिफिकेशन में चो है तो वफाकी इदारन में 1 खां 15 ग्रेड तई 50 सैकड़ों नौकरियों इस्लामाबाद जो डोमिसाइल रखंदड़न के दिन वेंदू। जिन इदारन जो कम इस्लामाबाद खां बाहर है उन्हें में उतां के मकामी मानुन के नौकरियों दिन वेंदू। नोटिफिकेशन में समूर लागापल इदारन के रूल्स से अमल यकीनी बढ़ाने की हिदायत। वफाकी नौकरियों लाए रूल्स में तरमीम से नंढन सूबन के नुकसान थो। 50 सैकड़ों में अध नौकरियों पंजाब के मिलंदू। मेरिट से 7.5 सैकड़ों हिस्सों मिलने बाद सिंध और बलूचिस्तान वासन के घट नौकरियों मिलने जा इम्कान।
इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान तरफा सिंध में बड़े पैमाने से बदलियों मुकर्रियों। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर मोहम्मद जावेद खान जॉइंट सूबाई इलेक्शन कमिश्नर मोहम्मद फरीद आफरीदी के इस्लामाबाद सेक्रेटेरिएट बदली करने जो नोटिफिकेशन जारी। इलेक्शन कमीशन सेक्रेटेरिएट जो एडिशनल डायरेक्टर एजाज अनवर, इलेक्शन कमिश्नर सिंध मुकर्रर, सजावल जो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर अब्दुल कादर याम शोरो बदली चने तो याम शोरो जो इलेक्शन कमिश्नर खालिद हुसैन के सजावल में मुकर्रर कियो वियो नोटिफिकेशन जारी। कराची में तकरीबकारी जो मंसूबो नाकाम। मलीर गड़ाप वाले इलाके में पुलिस की मुबैना कार्रवाई दौरान अलकायदा जो अहम अगवाण गिरफ्तार। पुलिस को चवण है दहशतगर्द सईदुल्ला उर्फ छोटी दुनिया मटा चार किलो बारूदी मवाद पंज डिटोनेटर्स ब पिस्टल हथ किया व्या। वो बम नस्ब करण में माहिर है। कराची में कें बड़ी तकरीबकारी जो मनसूबो जोड़े रो हो। दहशतगर्द खिलाफ़ केस दाखिल कर आखिरी महीने के अगस्त महीने के आखिरी हफ्ते में महंगाई की शरह वधी 9.47% थी वही। शुमारियात खाते महंगाई के हवाले से हफ्तेवार रिपोर्ट जारी कर छी। रिपोर्ट में चाहिए एक हफ्ते दौरान टमाटा बसर चढ़न मुंगन की दाल महंगी थी। खीर दही पटाटन कुकड़ अंडे थूम के अघन में बेवाद थी। शुमारियात खाते की रिपोर्ट में दावा कई वही है अगस्त महीने के आखिरी हफ्ते दौरान खंड कणक अटो चावर दाल माश के अघन में घटताई आई जने त वे नंढे गोश्त सूदो खुश्क खीर चाय जहा अघ बरकरार रहा। इस्लामाबाद हाईकोर्ट SECP के लापता ऑफिसर साजिद गोंदल के सूमर तई बाजियाब कराने जो हुक्म नहीं छोड़ो। अदालत जो चवण है सूमर तई साजिद गोंदल बाजियाब न थे तो घरू सेक्रेटरी चीफ कमिश्नर जाती तौर अदालत में पेश थे। SECP के जॉइंट डायरेक्टर अगूणे सहाफ़ी साजिद गोंदल बी अगू गुम थी वो हो। सनसकार इस्लामाबाद के शहजाद टाउन वाले इलाके में हथ आई हुई। साजिद गोंदल की घरवारी जो चवण है सनस मुड़स कुछ डीन का परेशानी जहनी दबाव जो शिकार हो। घड़ी खैरो भरसा सिम शाख के टिन मुख्तलिफ हंधन था लगल घारा बधजी न सकिया। आपाशी अमलो सिम नाले के गोठ रेहान खान वटा 70 फुट गोठ उम्मीद अली जोड़े जो वट 100 फुट जा लगल ब घारा न बधी सको। पानी भरपासे कायम 7 गोठन में दाखिल। समय खानदान पानी में फाथल। इंतजामिया गोठान के महफूज हंधन से मुंतकिल कर लाए के भी उपाव न वरता। गोठानन जो गड़ी खैरो शदादकोट रोड से एहतजाजी मुजाहरों। गोठानन जो चवण है घारन जो पानी घरन में दाखिल थियण सबब हु केतरन ही परेशानन के मुंह दियन पाया। आपाशी खाते इंतजामिया मुतासरन के निंदण को छे दिनों। शदादकोट भरसा सिम शाख के लगल 4 घारा एक हफ्तों गुजरण बावजूद भी बदजी न सकिया। घारन के पानी 50 गोठन के पैंजे वकड़ में आणी छो। 5000 एकड़ एराजी से पोखियल सारियालो फसल भी पानी हेठ। आपाशी खाते इंतजामिया की रिवायती सुस्ती खिलाफ गोठाना रस्तन से निकरी आया। गोठान जो चवण है इंतजामिया फसल सभी खानदान के घारन के रहमो करम से छो है। वे पैमाने से नुकसान थे बावजूद लागापल इदारा हरकत में ना आया। काछे में नई गाज बरसात की तबाहकार के 3 हफ्तन का अरसों गुजरण बावजूद रस्ता बहाल न थे। काछे के 200 का गोठन जो जोही शहर से जमीनी राबतों काटा। इंतजामिया जोही गोरख रोड भी बहाल न करा सकी। बोर्ड के हानियन के मुँह ईंदड़ हजारें काछे वासी राशन पीण के पानी सूदो तिबी सहूलतों लाए दरबदर। जोही छिनी रोड बहाल न थियण सबब काछे वासी बिटे अजाब में मुब्तला। छिनी वासन बासरन तरफा गैर कानूनी तौर टैक्स उगाण जो इंकशाफ कंदे है इंतजामिया बासरन की मिली भगत से बेड़ी जरिए सफर करण जो टैक्स वरत पो वे। पैसा न ींदड़ गोठान के सफर करण का रोको वो है। नवकोट भरसा LBOD सिम नाले के RD 287 वट पैल 350 फुट घारो 5 दिन गुजरण बावजूद बदजी न सको। आपाशी अमलो हेल तई रुगो 200 फुट तई काठ की कण लगे सको। LBOD के पानी जा भरपासे वाले इलाक में रागा जारी। नवकोट में गुजरंदड़ ढोरे में चाढ़ बाद पानी संतूरो फॉर्म मीर वकार कॉलोनी मलहा पाड़े के बोड़े छोड़ो।
बाराड़ी ए थरपारकर के बैराजी इलाक में पंजा का वधीक गोठ तोड़े 45,000 एकड़ जरई जमीन भी पानी हेठ। मीरपुर खास के तालके कोट गुलाम मोहम्मद भरसा सिम नाले के आरडी सत्त वट एक भेरो बीहर 70 फुट जो घारो पैजी वो पानी भरपासे के गोठन ना वधन लगो आपाशी अमलो गायब गोठाना पंजी मदद पान तहत घारो वधन की कोशिश में रुथल टणो गुलाम हैदर भरसा सिम नाले के 20 फुट घारो पवण के नतीजे में पानी गोठ बचल चांग में दाखिल केतरा ही खानदान पानी के घेरे हेठ आपाशी अमले घारो वधन लाय कख भी वीणो न कयो हिंगोड़नो शहर जो बरसाती पानी निकाल न थियण खिलाफ़ रहवासियों जो खिपरो मीरपुर खास रोड से धरणो पीपल्स पार्टी जा मकामी अगवाण भी हुकूमती इदारन की नाअहली खिलाफ़ रस्तन से निकरी आया धरणे दौरान मचरल माण्हुन जो टायरन के बाहियों रोड के बिन्हीं पासन खां गाड़ियों जो ड्रिघियों कतारू लगन खानगढ़ में सरदारी पग लाए छिकताण शिद्दत इख्तियार करे वही मोहम्मद बख्श महर खां पग वठी अली गौहर महर के पारायण लाए गौहर पैलेस से सुभाणे कोठायल कठ जो तैयारियों आखिरी मरहले में दाखिल कठ में शिरकत लाए महर बिरादरी के 84 मुख्तलिफ पाड़न के चंगन मुड़सन के दावतनामा उमाणिया व्या अली गौहर महर जो चवण है त मोहम्मद बख्श महर के राज सुणे ही को थो जबरदस्ती माण्हुन खां हिमायत वठण की कोशिश करे पयो सरदारी पग राज की अमानत होंदी है मुख्य राज भाग की हिमायत हासिल है सुभाणे कठ में फैसलो थींदो तो सरदार जी सरदारी पग जो हकदार केर है कठ के रोकण लाए टिन जिलन की पुलिस के घोटकी तलब कियो वियो है बिरादरी के कठ के सियासी जलसो न समझो वने जरूरत पई तो वफाक का मदद तलब कंदासी सिंधु दरिया में चाड़बाद काजी अहमद के कच्चे वारन लाइकन पीर नूर शाह दरिया खान ए हमजो जतोई में पानी दाखिल सवें एकड़न ते पोखिल फसल ए केतराई घर पानी हेठ अची वया आपाशी खाते लाखाट बंद ते एमरजेंसी लागू करे छड़ी अमले जो मोकलू रद कच्चे में फाथल खानदानन के महफूज हंधन ते मुंतकिल करण की हिदायतुन बावजूद इंतजामिया हरकत में न आई दरियाई पानी में चाड़बाद कंडियारो भरसा बकरी बचाव बंद ते भी दबाव वधी वयो पानी बंद के पायण लगो आपाशी अमले तरफा बंद के मजबूत करण के लिए गरी मशीनरी तलब सिंधु जो पानी कच्चे के गोठ आदम जो विंडो ए माही भाण में दाखिल गोठाना घर खाली कर लडपलाण कर वया वोण गुआर जुअर ए बो फसल पानी हेठ अची वो आबादगार जा मथे ते हथ मीरपुर खास में गुजरल नी वारे वसकारे खां पोए बरसात ए घारन जे मुतासन जा अहन जबीणा हुकूमत तरफा खैमा न मिलन सबब हथरादू ठहल खैमा भी ढही पया मुतासर खानदान खुलल आसमान हेठ वेठल मीरपुर खास शहर के मुख्तलिफ इलाकन में बरसाती पानी बीठल होजन सबब मच्छरन जो आजार भी वधी वयो मलेरिया ए डायरिया सूदो बियूं बीमारियों भी पखड़जण लग्यूं शहर के हाशिम नगर सेटेलाइट टाउन लतीफ़ टाउन नवाब कॉलोनी इस्माइल कॉलोनी ए बेन पाड़न में बरसाती पानी निकाल न थियण सबब रहवासी बिटे अजाब के मुंझण लगा मुतासरन के हुकूमती राशन ए बो सामान न मिलने ते नफे खोरन मौके मा फायदो वठी का भी कसर न छड़ी मच्छरदानन सूदो आम माहिपे की शयन जा अघ भी बीणा क्या व्या इंतजामिया ए चूंड नुमाइंदन मुतासरन के निंदण को छे दिनों हैदराबाद में बरसात के 15 दिन गुजरी वन बावजूद रेलवे कॉलोनी रेलवे वर्कशॉप मुस्लिम सोसाइटी रानी बाग फायर ब्रिगेड ऑफिस ए सैरिश नगर सूदो हेठाई वाले इलाकन में पानी निकाल न थो हुकूमती इदारा लतीफाबाद की मेहर अली हाउसिंग सोसाइटी फातमा जिना कॉलोनी अमान शाह टंडो यूसुफ कब्रिस्तान सूदो हाली रोड से बीठल पानी निकाल कराने में नाकाम सिंध के बेवडे शहर के केतर ही इलाकन में रहवासी वेटे अजाब में मुब्तला पानी बीठल होने सबब मच्छर जो आजार बची वो
अमरीकी औरत सिंथिया रिची वीजा में वाद वाली दरख्वास्त रद्द थियण खिलाफ़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से राबतो करे वरतो। दरख्वास्त में सिंथिया रिची इस्तदा कई है अदालत घरू खाते के वर्किंग या बिजनेस वीजा में वाद जो हुक्म दे। दरख्वास्त में घरू खाते के धुर बणाय वो वफाकी घरू खाते सिंथिया रिची के वीजा में वाद वाली दरख्वास्त रद्द कदे खेस 15 दिन अंदर पाकिस्तान छड़ने जो हुक्म दिनों। अस्सलामु अलैकुम, टाइम न्यूज़ स्वागत में हमीर शेख। हेडलाइंस अवानी थियूं तफ़सीली खबरों ब्रेक खां।